हमारी जिंदगी की चंद घड़ियां आप सबके नाम। आपको मजा आने वाला है जी। M6 से M69 और फिर हम M69 से लेफ्ट के करीब पहुंच गए हैं जी। बारिश तरह रुक गई है और ठंड तो है ही है। मेरा ख्याल में वहाँ चलते हैं, क्या ख्याल है? यह ढाबा है 66। अच्छा, तो वहाँ से कुछ ले लें, क्या करें? ठीक है, नूडल्स को ऑर्डर कर देते हैं ना, साथ ले लेते हैं। चलें जी, हम वहाँ एक सामने है ढाबा 66, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से नूडल्स ऑर्डर करते हैं, पैक करवाते हैं, घर ले जाएंगे और फिर आगे जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कपड़ों की दुकान हो और नज़र ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? और हाँ, स्ट्रीट को साफ रखने के लिए रबिश को जरूर बिन करें। शॉप काफी बंद है फ्राइडे करके ना जी। असल में ना वो क्रिसमस है ना, तो आज लास्ट फ्राइडे है बिफोर क्रिसमस, कल क्रिसमस ईव है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा शॉप्स खुली नहीं हुई। हाँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी शॉप बंद है जी। बंद है लेकिन अभी काफी ठंड है तो ये ना कोई गले खराब हो जाए। वैसे भी ये पैक करवा के घर ही लेके ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं। चलें अंदर चलते हैं। ये है ढाबा 66 ईस्ट पार्क रोड लेस्टर में और यहाँ पर चटपटे खाने मिलते हैं और चाय भी बड़ी स्पेशल है। जब भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। इनके दही बड़े, अंडे वाला शामी बर्गर और बम्बे सैंडविच भी काफ़ी पॉपुलर है। हाँ जी, नूडल्स मैंने ऑर्डर कर दिए जी। वही ना, तो फिर अभी तो वो बना रहे हैं तो वेट करना पड़ेगा। चलें फिर एक कप चाय पिला दें हमें। चलें फिर, मैं चाय भी कहता हूँ। सब्जी भी है। ठीक है। बाहर जो मौसम है वो तो काफ़ी ख़राब है, आसमान जो है बादलों से घिरा हुआ है और छम छम बर्स भी रहा है। और इधर जो है, और इधर फिर ये गर्मा गर्म चाय एंजॉय करें। और मेरा कप तो ये है जी, ये वाला कड़क चाय जी। अच्छी बनी हुई चाय, अच्छी मज़े की बनी हुई चाय। चले मैं भी ट्राई करता हूँ। मज़े की चाय है, बिल्कुल कड़क चाय है जैसी चाय होनी चाहिए। चाय का ना सिर्फ कलर कड़क नज़र आ रहा है बल्कि टेस्ट में भी बड़ी मज़े की है। वाह जी वाह, मज़े ले लेकर चाय पी रहे हैं और उधर हमारा ऑर्डर भी तैयार हो गया है। तो ऑर्डर लेकर हम अब चलते हैं अगली मंजिल की जानिब। चलें जी। सर भाई, तो फिर बारिश है हमारी। हम लोग ऐसे ही पाकिस्तान में तो होता ना कि बारिश वगैरह हो तो जी आज बारिश है, बाहर नहीं निकलना। ये यहाँ पे देख रहे हैं ये बारिश हो रही है और हम ऐसे ही चल रहे हैं। यहाँ सर गर्म है, लाइट रुकते हैं, वो सांस होते रहते हैं बिल्कुल। तो फिर अब कोई डिनर के लिए
जो प्लान किया था वहाँ चलें। जी अब मुझे भूख लगी हुई है। चलें जी फिर हम लोग जा रहे हैं जी डिनर के लिए। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि फिर ये शॉप है कपड़ों की तो रुकना तो जरूर होता है ना जी। रुकना तो बनता है ना जी। चलें जी और ये देखें ये कितने प्यारे हैं खूबसूरत ड्रेसेस है ना। आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे? मुझे तो ये वाला अच्छा लगा। ये वाला लेकिन इसके साथ स्लीव्स भी हो तो फिर हाँ स्लीव्स हो तो फिर अदरवाइज थोड़ा मुश्किल। और इधर से देखें इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगेगा, ये ब्लू वाला या ये ब्लैक वाला? ब्लैक वाला। और ये देखिए वाला है। चलें जी चलें जी फिर कहीं डिनर करते हैं यहाँ पे बैठ के में। जी जी पहले भी एक दफा हम लोग आए थे। हाँ ट्राई किया हुआ है बड़ा पसंद है मुझे। अच्छा था मज़ेदार तो, था। चलें फिर चलें ट्राई करते हैं दोबारा। ग्रिल शेफ़ ये लेस्टर में हलाल रेस्टोरेंट है, यहाँ मैं अक्सर आता हूँ और इनका खाना तो क्या बात है बहुत ही मज़ेदार है। आज क्या ऑर्डर करेंगे? देखते हैं आप देखते हैं कुछ पसंद करें जो भी आप पसंद करें। हाँ जी खाने का ऑर्डर कर दिया है और वो डेफिनेटली फ्रेश बनाएंगे, जो ही सामने आता है तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। मुझे तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि आप खाने का ऑर्डर करें और फिर इंतज़ार भी करें, तो लेट्स सी जब खाना आता है तो आपको भी दिखाते हैं। अच्छा लाइट सा ये लेंटल सूप है, पहले ये मैंने देखा खाने से पहले ये जरूर सर्व करते हैं बिल्कुल, और ये काफ़ी हाजमादार है, मतलब एक तो खाना जो है चले देख रहे जो मंगवाया वो तो बड़ा हैवी मंगवाया है, देखते हैं ये हजम होता है कि नहीं होता ये उसको हजम करने के लिए पहले सूप पी रही। वाह जी वाह वाह, हमारे यहाँ एक रिवाज भी है कि कुछ भी हजम करना हो के उसके लिए भी हमको खाने वाली चीज़ें मिलाते हैं। बिल्कुल हम तकलीफ का इलाज भी जो है ना खाने से करते हैं, ये हो तो ये खा लें वो हो तो ये खा लें, ये होते हैं शौकीन लोग खाने वाले है। स्पेशल नान और साथ है स्टार्टर सॉस और हमस भी ये मेन कोर्स से पहले देते हैं। नहीं जी एंजॉय करें, ये ना जो हमस है ना इनका ये बना हुआ ये वाला हमस तो ये वाला ये हाँ हमस ये काफ़ी मज़े का है और साथ ये जो टमाटो की बनाते हैं ये सॉस की उसके पता नहीं कैसे बनाते हैं लेकिन बहुत मज़े के लिए। और नान जो है ये सेसमी सीड का बना हुआ है बहुत मज़े का, डिफरेंट है बिल्कुल टर्किश का, एक अपना ही है खानों का एक अपना टेस्ट है और इंग्रेडिएंट्स के मज़े का। आप भी ट्राई करें मैं लेता हूँ। और लें जी ये आ गया है हमारा मज़ेदार सा खाना, अडाना कबाब है और उसके ऊपर टमाटर जो हैं वो भी सजे हुए हैं और ये सैलड भी बड़ा मज़ेदार है, स्पेशल सी कोई सॉस डालते हैं, फ्लेवर बड़ा कमाल का है। और ये तो है ग्रिल्ड सी बैश, ये जो मछली है ये जो फिश है तोबा तोबा बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर आइएगा करें जी एंजॉय जी मज़े करें। ये ट्राई कर रही हूँ सी बैश फिश हाँ और साथ ये अडाना कबाब। जी जी अडाना कबाब है, शक्ल तो अच्छी है मज़े की है। नहीं बड़ी मज़े की है। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूं। जो ग्रिल्ड फिश है ना ये बहुत मज़े की है, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूं। चलें जी आप बिस्मिल्लाह करें हम एंजॉय करके मज़े लेकर खाते हैं। यूँ खाते पीते और आपस में बातें करते करते पता नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया और हमने तो प्लेटें भी खाली कर दी हैं और ऊपर से तो आ गई है चाय, ये इसे चाय ही बोलते हैं, वैसे कहवा है
और ये ज़रूरी है सब कुछ खाया पिया हज़म करने के लिए। इसी के साथ ही मैं इस व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। आप जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें।